भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन जॉय रूट के साथ बेन स्टॉक बैटिंग करने उतरे। 93 ओवर की आखिरी गेंद पर दिन का पहला बाउंड्री और बेन स्टॉक ने अपना खाता खोला। उन्होंने आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन दिशा की ओर चौका लगाया। अगली ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के माध्यम से बाउंड्री लगाए। 95 ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टॉक रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी पर लॉफ्ट करते हुए दिन का पहला छक्का लगाए। 101 ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टॉक फुल एंड फ्लोटेड गेंद को स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए। 103 ओवर की पांचवी गेंद पर जॉय रूट आउटसाइड ऑफ गेंद को स्क्वायर लेग के माध्यम से स्वीप करते हुए चौका लगाए। अगले ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टॉक फुलर लेंथ गेंद को चौका लगाए और उसी ओवर की अगली गेंद में भी बेन स्टॉक फुलर अराउंड ऑफ गेंद को बैक टू बैक बाउंड्री लगाए। इसी के साथ इंग्लैंड अपना 300 रन पूरा किए। 108 ओवर की पहली गेंद पर जॉय रूट सिंगल रन लिए और इसी के साथ रूट और स्टॉक्स के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 111 ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट सिंगल रन लेकर अपना 150 रन पूरा किए और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टॉक फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्लॉप स्वीप करते हुए छक्का लगाए। 113 ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टॉक फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए और अगली गेंद में भी बेन स्टॉक फुल एंड अराउंड लेग गेंद को बैक टू बैक चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किए। 117 ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टॉक फुल एंड आउटसाइड गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टॉक फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को फिर एक बार स्वीप करते हुए मिड विकेट के रीजन में चौका लगाए। अगली ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टॉक मिड विकेट के माध्यम से एक और बाउंड्री लगाए। उनके लिए आखिरी 5 गेंद में तीसरी बाउंड्री रही। इसी के साथ इंग्लैंड 350 रन पूरी किए। इंग्लैंड के लिए एक और शानदार सत्र रहा। रूट ने खूबसूरती से खेला और बेन स्टॉक कल से लगातार अभी तक अपना जबरदस्त फॉर्म बनाए रखे हैं। यह जोड़ी 92 रनों की साझेदारी पूरी कर चुकी है। भारत के गेंदबाजों ने विकेट लेने की प्रयास की लेकिन नाकामयाब रहे। 121 ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को बिंदु के माध्यम से निर्देशित करते हुए चौका लगाए। 123 ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टॉक फ्लाइटेड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाए। अगली ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टॉक बुमराह की गेंदबाजी में मिड विकेट के बीच से फ्लिक करते हुए चौका लगाए। लेकिन 127 ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टॉक फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप किए गेंद हवा में उछला और सीधे चतेश्वर पुजारा के हाथ में गया और वे 82 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के लिए महत्वपूर्ण विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर ऑली पॉप शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ गेंद में अपना खाता खोलते हुए पहला चौका लगाए। 132वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉय रूट ने अपना सिंगल रन लिया और इसी के साथ इंग्लैंड ने 400 रन भी पूरे किए। 138 ओवर की दूसरी गेंद पर ऑली पॉप फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को सामने आकर लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री लगाया। 143 ओवर की तीसरी गेंद पर जॉय रूट फुल एंड अराउंड मिडिल गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ जॉय रूट अपने करियर में 5वां डबल सेंचुरी लगाए और साथ ही रूट और पॉप के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई और इंग्लैंड के 450 रन भी पूरे हुए। दूसरे सत्र खत्म होने तक इंग्लैंड अपनी पकड़ को मजबूत रख के क्रीज में डटे रहे। रूट और स्टोक के बीच 124 रनों की साझेदारी होने के बाद स्टोक आउट हो गए। दूसरी ओर रूट पॉप के साथ एक और 50 रनों की साझेदारी बनाए। इंग्लैंड के कप्तान जॉय रूट ने अविश्वसनीय डबल सेंचुरी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत के गेंदबाजों में शाहबाज नदीम इस मैच में अपना पहला विकेट हासिल किए। बाकी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन दिया लेकिन विकेट लेने में असफल रहे। 150 ओवर की दूसरी गेंद पर ऑली पॉप आउटसाइड ऑफ गेंद को स्लिप कॉर्डन के माध्यम से बाउंड्री लगाए लेकिन
153 ओवर के दूसरी गेंद पर ओलिपॉप रविचंद्रन अश्विन के गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हो गए। अश्विन के लिए दूसरा और भारत के लिए पांचवा विकेट। और अगली ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट भी शाहबाज नदीम के गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हो गए। नदीम के लिए दूसरा और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। जॉय रूट का लंबा पारी अब जाके खत्म हुआ। वे विश्व में पहले खिलाड़ी बन गए जो 100वां टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगाए। 161 ओवर की पहली गेंद पर जॉस बटलर आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से चौका लगाए और अगली गेंद में फिर एक बार बटलर शॉर्ट वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के क्षेत्र में बाउंड्री लगाए। 165 ओवर की पांचवी गेंद पर जॉस बटलर फुलर एंड आउटसाइड गेंद को शानदार तरीके से कवर के माध्यम से चौका मारे। इसी के साथ इंग्लैंड 500 रन पूरा किए। अगली ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम बियास टॉस अप आउटसाइड ऑफ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लगाए। 167 ओवर की पांचवी गेंद पर जॉस बटलर फुल एंड अराउंड लेग गेंद को फ्लिक करते हुए चौका मारे। 177 ओवर की पहली गेंद पर जॉस बटलर शॉर्ट एंड आउटसाइड गेंद को कट करने का प्रयास किए लेकिन इनसाइड एज होकर फाइन लेग दिशा में बाउंड्री गया। और अगली ही गेंद पर जॉस बटलर ईशान शर्मा की गेंदबाजी पर क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। तुरंत अगली गेंद पर ईशान शर्मा जफा आर्चर को भी बटलर की ही तरह क्लीन बोल्ड करके आउट किए। ईशान शर्मा के लिए लगातार दो विकेट। 176 ओवर की पांचवी गेंद पर डॉम बेस फुलर लेंथ गेंद को फाइन लेग दिशा में चौका मारे। अगली ओवर की दूसरी गेंद पर जैक लीच फ्लाइटेड आउटसाइड ऑफ गेंद को फ्रंट फुट आके मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाए। 178 ओवर की पहली गेंद पर डॉम बेस आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट के दिशा में बाउंड्री लगाए। इस मैच के दूसरा दिन का तीसरा सत्र खत्म होने तक इंग्लैंड 180 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 555 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में कप्तान जॉय रूट 218 रन बना के अपने टीम के टॉप स्कोरर रहे। वहीं डॉम सिबली 87 रन बनाए और बेन स्टॉक 82 रन बनाए। रूट और सिबली के बीच 200 रनों का साझेदारी पूरा हुआ और रूट और बेन स्टॉक के बीच 124 रनों का एक और 100 रनों का साझेदारी हुआ। भारत के गेंदबाजों में नदीम दो विकेट लिए जिसमें जॉय रूट का विकेट शामिल था। साथ ही रविचंद्रन अश्विन बुमराह और ईशांत शर्मा भी दो दो विकेट लेकर अपने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन दिए।